हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि 6 अप्रैल को भाजपा के स्थापना दिवस पर होने वाली मुख्यमंत्री की रैली में हलके के विकास के लिए करोड़ों रुपए की घोषणाएं होंगी। रैली में पार्टी के प्रदेश प्रभारी व प्रदेश अध्यक्ष सहित कई बड़े चेहरे कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्रवासियों से रूबरू होंगे। खेल मंत्री गांव सियाना खुर्द, डेरा फरीदनगर, शाहपुर, हमीरा फार्म में बैंसी माजरा सहित कई गांवों में आयोजित कार्यक्रमों में बोल रहे थे। उन्होंने गांव हमीरा फार्म में अनुसूचित जाति वर्ग की चौपाल का शिलान्यास किया। खेल मंत्री ने कहा कि बहुत जल्द ये चौपाल बनकर तैयार हो जाएगी। इसके साथ ही गांव में जनरल चौपाल का उद्घाटन किया। खेल मंत्री ने जनरल चौपाल में वाटर कूलर एवं अन्य व्यवस्थाओं के लिए 1,00,000 रुपए का अनुदान देने की घोषणा की। इसके अलावा गांव के 14 जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके मकान मंजूर होने की जानकारी भी खेल मंत्री द्वारा इन परिवारों तक पहुंचाई गई। 14 परिवारों के मंजूर हुए मकानों की सूची जारी करते हुए खेल मंत्री ने कहा कि आप अपने खुद के घर से वंचित लोगों के लिए सरकार हाउसिंग फॉर ऑल योजना लेकर आई है, जिसके तहत परिवार पहचान पत्र के जरिए ऐसे परिवारों की पहचान की जाएगी जिनके पास अपना मकान नहीं है। उसके बाद ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सरकार प्रत्येक परिवार को अपना मकान उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने गांव हमीरा फार्म में 2 बीमार व्यक्ति को 51,000 रुपए देने की घोषणा की। इसके अलावा गांव भैंसी माजरा में भी विकास कार्यों के लिए खेल मंत्री ने ग्रांट देने की घोषणा की। कार्यक्रमों के बाद खेल मंत्री ने टिकरी निवास स्थान पर भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली और उन्हें रैली को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। खेल मंत्री ने कहा कि रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल हलके के विकास के लिए करोड़ों रुपए की घोषणाएं करेंगे। उन्होंने लोगों से अधिक संख्या में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की।